विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को लेकर एक और खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि नाइक के बैंक अकाउंट्स में पिछले 3 सालों में 3 अलग-अलग देशों से 60 करोड़ रुपए आए हैं। नाइक के परिवार के सदस्यों से जुड़े 5 बैंक खातों में यह रकम जमा की गई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया, हम अभी तक यह पता नहीं लगा पाए हैं कि ये रकम किस मकसद से जमा की गई है। हमने जांच की और इस लेन देन का पता लगाया। अधिकारी ने साफ किया है कि ये बैंक खाते नाइक के एनजीओ से जुड़े नहीं हैं, बल्कि उनके अपने हैं। वहीं पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग से इन कंपनियों की डिटेल्स मांगी है। पुलिस का कहना है कि हम पता कर रहे हैं कि इन कंपनियों को फंडिंग कहां से होती थी, क्या धर्म परिवर्तन के लिए फाइनेंस इन्हीं कंपनियों से होता था। पूरी जानकारी मिलने के बाद जाकिर के परिवार के लोगों से पुलिस पूछताछ शुरू करेगी। जाकिर नाइक पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और अब विदेशों से फंडिंग के सबूत कितने सही साबित होते हैं ये देखना फिलहाल बाकी है। हालांकि डीबी लाइव इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। देखते रहिए डीबी लाइव।